अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है सबलगढ़ से। क्षेत्र में दिखा ताऊते तूफान का असर, तो सबलगढ़ में भी अब ताऊते तूफान का असर दिखाई दे रहा है। मंडी प्रबंधक की लापरवाही सामने आई है। खरीदी केंद्र पर जो गेहूं रखा हुआ था वो भीग गया है। खुले में करीब 500 क्विंटल गेहूं रखा हुआ था, समर्थन मूल्य पर ये गेहूं खरीदा गया था। सबलगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। ताऊते तूफान का असर अब सबलगढ़ क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी ताऊते तूफान का असर कई जगहों पर हमें दिख चुका है। सबलगढ़ में भी अब ताऊते तूफान का असर दिखाई दिया है। मंडी प्रबंधक की लापरवाही भी सामने आई। इस दौरान खरीदी केंद्र पर जो गेहूं रखा हुआ था वो भीग गया बारिश की वजह से। खुले में करीब 500 क्विंटल गेहूं पड़ा हुआ था जो कि बारिश की वजह से भीग गया। मंडी प्रबंधक की लापरवाही सामने आई है। गेहूं को सुरक्षित जगह पर रखने की जो है अपनी जिम्मेदारी मंडी प्रबंधक ने नहीं निभाई, लापरवाही बरती है यहाँ पर, और जिसके चलते 500 क्विंटल गेहूं खुले में पड़ा हुआ था जो कि बारिश के कारण भीग गया है। समर्थन मूल्य पर ये गेहूं खरीदा गया था, 500 क्विंटल गेहूं बारिश की वजह से भीग गया है। जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में भी ताऊते तूफान का असर दिखाई देगा, पहले ही चेतावनी दे दी गई थी, उसके बाद भी मंडी प्रबंधक ने लापरवाही बरते हुए खुले में ही रखा, छोड़ दिया गेहूं, उसको सुरक्षित जगह पर नहीं रखा गया, जिसके चलते 500 क्विंटल गेहूं खुले में पड़ा था। समर्थन मूल्य पर ये गेहूं खरीदा गया था। क्षेत्र में ताऊते तूफान का असर दिखाई दिया है। हम देख रहे हैं इससे पहले भी जो है मंदसौर के कई क्षेत्रों में ताऊते तूफान का असर दिखाई दिया था। और अब सबलगढ़ में भी ताऊते तूफान का असर दिखाई दिया, लेकिन जिस प्रकार से मंडी प्रबंधक की लापरवाही सामने आई है, तो समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदा गया था वो खुले में ही रखा, छोड़ दिया गया, उसको सुरक्षित स्थान पर रखने की जहमत नहीं उठाई मंडी प्रबंधक ने कि कहीं सुरक्षित स्थान पर उस गेहूं को रख दे, 500 क्विंटल गेहूं भीगा है।